क्लास के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान में जलवायु विज्ञान चैप्टर में से हम लोग चर्चा करेंगे आज फसलों पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव और फसलों पर अनुकूल मौसम के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, किताब कापी आप साथ लेकर के बैठा करो और पढ़ते जाओ लिखते जाओ। तो प्रतिकूल मतलब जो अच्छा नहीं है, प्रतिकूल का मतलब जो फसलों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले है त्रुटिपूर्ण वर्षा से फसलों को हानि। हमारे देश की अधिकांश क्षेत्र में खेती वर्षा आधारित होती है, यानी कि वर्षा जैसी होती है वैसे ही मानसून आधारित खेती होती है। मतलब जितनी अच्छी वर्षा उतनी अच्छी खेती होती है, तो इसीलिए वर्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो प्रतिकूल मौसम का प्रभाव रहेगा तो क्या है, त्रुटिपूर्ण वर्षा से फसलों को हानि, मतलब अनावृष्टि। ऐसा समय जब वर्षा होती ही नहीं है, जैसे बरसात का जून जुलाई शुरू हो जाती है, जून जुलाई में शुरू नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ तो बुआई हो ही नहीं पाएगी, तो अनावृष्टि, सूखा पड़ जाएगा, तो हमारी फसलें नहीं बोई जाएंगी, और जब फसलें नहीं बोई जाएंगी तो हमारा उत्पादन कहाँ से होगा, तो इसलिए किसान की आर्थिक क्षति हो जाती है। दूसरा अतिवृष्टि, मान लो हमें आज बुआई कर ली, खेत भी हमने तैयार कर दिया, जुताई बुआई कर दी, लेकिन क्या होता है, पानी इतना ज्यादा बरस रहा है कि हम निकल ही नहीं पाए खेत में, है ना। तो ये हो गया। दूसरा असमय वर्षा हो जाती है। मान लो सब सामान लेकर के खेत में पहुंच गए और फिर वर्षा शुरू हो गई, मतलब कोई टाइम ही नहीं है, तो ऐसी वर्षा क्या करेगी, फसल का उत्पादन या फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वर्षा त्रुटिपूर्ण वर्षा से फसलों को इस तरह से हानि होती है, या तो सूखा पड़ जाए, या बहुत पानी बरस जाए, या अचानक पानी बरस जाए असमय। जैसे देखा हुआ हम लोग आलू खोदते हैं, अचानक पानी आ जाता है और आलू भीग जाता है ना, इस तरह से असमय वर्षा हो जाती है तो हानि होती है फसलों को। दूसरा पाले द्वारा हानि होती है, पाला पड़ना खेत है, खेत में क्या होता है, जब टेम्परेचर तो क्या होता है, वायुमंडल का तापमान जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है, तब क्या होता है, हमने बताया था पौधों में 80 से 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है ना। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो नीचे होगा, तब पानी की एक प्रक्रिया होती है, जल एक ऐसी चीज है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। और तो ये जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, और जब पाला पड़ता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पर पड़ता है, तो क्या होगा, तो ये पेड़ पौधों की जो नसों में पानी होता है, ये क्या होगी, इनमें पानी जम जाएगा, और जब पानी जमता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो जब आयतन में वृद्धि होगी तो मान लो इसकी ये नस में पानी है, जब बढ़ जाएगा तो ये नसें फट जाएगी, पानी बाहर निकल आता है। तो इस तरह से पाले द्वारा फसलों को हानि होती है, फसल की फसलें हमारी तुरंत की तुरंत नष्ट हो जाती है। ओला पड़ना, जब वायुमंडल में बादल में जो पानी होते हैं वो ऐसी ऊपर धारा से गुजरते हैं, कोई ठंडी धारा के संपर्क में जब आ जाते हैं, तब उसका पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और वो बर्फ किसी विशेष क्षेत्र में बर्फ पड़ने लगती है, उसको ओला पड़ना कहते हैं। और उसके चक्कर में ओले में जो भी क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है, इसलिए इससे भी फसलों को हानि होती है। लू तथा तेज हवाएं, लू बहुत तेज, गर्म हवा बहुत तेज चलने लगती है, तो फसलों के दाने सिकुड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, फसलें सूख जाती हैं। और तेज हवाएं,
जैसे गेहूं में पानी लगाते हैं तेज हवाएं चल जाए तो गेहूं अपना पूरा गिर जाता है, तो इस तरह से फसलों को हानि होती है। तो ये फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव है ना, कि ये प्रतिकूलता रहती है, इतनी प्रतिकूल मौसम से रह करके हमारी फसलें उत्पादित होती हैं, तब जा करके लोग खा पाते हैं खाना, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जय जवान जय किसान। तो अब फसलों पर अनुकूल मौसम का प्रभाव, अनुकूल मौसम का प्रभाव कि हमारे इच्छा अनुसार मौसम हो तब देखो कितना मजा आता है, हमारी इच्छा अनुसार मौसम होगा कि नहीं होगा, इसलिए होगा। जैसे खरीफ, अब खरीफ में हम लोग खरीफ वो ऋतु होती है जिसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है खरीफ को, है ना। वर्षा में जो फसलें उगाई जाती है वो खरीफ कहलाती है, ठीक है। इसकी बुआई कब करेंगे, जून जुलाई की करेंगे, ठीक। अब अनुकूलता कैसे दिखाते हैं, अब अनुकूलता दिखाते हैं कि अगर हमारा 15 जून तक पानी बरस जाए, 15 जून को मान लो हमारा पानी बरस जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 15 जून पानी बरस जाएगा तो ये फसल बोएंगे जुलाई में, तो तब तक हम खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, है ना, खेत की अच्छी तैयारी हो जाएगी और खेत हमारा बुआई कर देंगे। और फिर क्या हो, फिर हो कि प्रत्येक 10-15 दिन में पानी बरस जाएगा, प्रत्येक 10-12 दिन में पानी बरस जाएगा। अगर बरसात में ऐसा हो तो कितना अच्छा लगे, किसान क्या करेगा, इसने खेत की बुआई कर दी, फिर 10-15 दिन के अंदर पर क्या होगा, पानी बरसेगा तो उसके बीच में वो खेत में निराई गुड़ाई भी कर लेगा, खरपतवार हटा देगा, दवाई डाल देगा, खाद डाल देगा, इससे क्या होगा उसका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हो अगर हो जाए तो कितना अच्छा होता है। अगला, रबी की फसलों में अनुकूल मौसम हो जाए तब देखो क्या होता है। रबी की मतलब ऐसी फसलें जिनकी बुआई शीत ऋतु में की जाती है, ऐसी रबी की फसलें कहलाती हैं। कब बुआई करेंगे, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो अक्टूबर में जब कहेंगे तो कोई भी फसल बोने से पहले हम लोग खेत में पानी लगाते हैं, जिसे परेवा परेवट या पलेवा कहते हैं, तो उससे फसलों का जर्मिनेशन अच्छा होता है, फसलों की बर्बाद अच्छी होती है। तो इसलिए फसल बुआई के 15 दिन पहले यदि पानी खेत में बरस जाए, अक्टूबर या सितंबर में अगर पानी बरस जाता है 15 सितंबर के आसपास, तो खेत में को हम अच्छी तरह से तैयार करके उसमें रबी की बुआई कर सकते हैं। रबी की बुआई हो जाएगी, बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। फिर क्या हो, फिर दिसंबर जनवरी में पानी बरस जाए, बुआई होने के बाद फिर क्या, दिसंबर जनवरी में पानी बरस जाए, है ना। तो क्या होगा, इसमें फसलों का अच्छा फसलों उत्पादन हो जाता है ना। गेहूं में जब देखा होगा कि दिसंबर जनवरी में पानी कभी कभी बरस जाता है तो सिंचाई के पैसे भी नहीं पड़ते और अच्छी सिंचाई भी हो जाती है, पानी भी बच जाता है। इसके बाद फरवरी मार्च में जब फूल आने लगता है, देखो सर्दियों में बसंत ऋतु में जब फूल आता है ना, उस समय कैसा मौसम हो जाए, खुला खुला सा मौसम हो जाए, तो क्या होगा, जैसे मान लो सरसों हमने बोई है ना, सरसों बोई है, गेहूं है, तो मुख्य फसलें बोते हैं, तो सरसों का फूल भी नहीं झड़ेगा, खुला मौसम होगा तो माहू भी नहीं आएगी, माहू के कीट जो होता है माहू का, वो बादल वाले दिनों में आता है ना, तो वो माहू भी नहीं आएगी, और जो है अच्छा प्रकाश मिलेगा तो फसल उत्पादन भी बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, मार्च अप्रैल में खूब तेज धूप हो जाए जिससे फसलें हमारी अच्छी तरह से पक जाए, इस तरह से अनुकूल मौसम भी इस पर असर पड़ेगा। और रबी पर जायद, जायद गर्मी इस ग्रीष्म ऋतु की फसलों को जायद कहते हैं, है ना। ये कब बोई जाती है, जनवरी फरवरी में बोई जाती है। खीरा, ककड़ी, कद्दू, खरबूजा, तरबूजा, है ना, ये सब जायद में बोया जाता है। ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है लेकिन बारिश की नहीं, है ना। तो क्या होता है इसमें, केवल जनवरी में, मान लो फरवरी में बोते हैं, जनवरी में बोते हैं, तो 15 जनवरी तक पानी बरस जाता है। 15 जनवरी तक पानी अगर बरस जाएगा तो खेत की तैयारी अच्छी तरह से करके हम लोग और फसलें बो सकते हैं। फसलें बोने के बाद हम लोग पानी लगाते रहेंगे और ऐसा करके हम फसलों पर अनुकूल मौसम का प्रभाव रहेगा तो फसलों उत्पादन अच्छा होता है। तो ये है जलवायु विज्ञान में जो भी कोविड 19 के दौरान जो
सिलेबस कम किया गया है, उसमें से आज हम लोगों ने चर्चा की फसलों पर अनुकूल तथा प्रतिकूल मौसम के क्या प्रभाव है, से इस अगले वीडियो में।